हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। पाठ के प्रश्नोत्तर। कल आपने इसके शब्द अर्थ लिखे थे, अभी हम लिखेंगे प्रश्नोत्तर। और बच्चों, प्रश्नोत्तर को लिखते समय आप एक चीज का बहुत ध्यान रखिए। आप बार बार मैं बोलती हूँ फिर भी आप एक चीज का ध्यान नहीं देते हैं, और वो ये कि प्रश्न लिखने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उत्तर लिखने के बाद पूर्ण विराम लगाना आवश्यक है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अच्छा बच्चों, प्रश्नोत्तर आप हेडिंग डालेंगे, पाठ का नाम डालेंगे और प्रश्नोत्तर की हेडिंग डालेंगे और आज की डेट डालेंगे। प्रश्न संख्या भी साथ में आप डालेंगे, जैसे मैं डाल के लिखती हूँ ना, ऐसे आप भी डाल के लिखेंगे बच्चों। तो प्रश्न नंबर एक, इस कहानी को पढ़कर तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी, उनमें से कोई तीन बातें यहाँ लिखो। उत्तर, गांधी जी सत्यवादी थे, गांधी जी अन्याय व हिंसा का विरोध अहिंसा से करते थे, गांधी जी चरखे पर सूत कातते थे। प्रश्न नंबर दो, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? हमारे घर में खाना पकाने के लिए गैस स्टोव का इस्तेमाल होता है। प्रश्न नंबर तीन, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? उत्तर, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक समझा होगा। सुबह के समय गांधी जी आश्रम में टहलते थे, उस समय उनके पास कोई काम नहीं होता था। अगला प्रश्न, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? उत्तर, धनी बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, बर्तन में पानी पिलाता था, आश्रम में उसको लेकर घुमाता था, उसका पूरा पूरा ख्याल रखता था। प्रश्न नंबर पांच, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? उत्तर, आश्रम में सभी लोग गांधी जी के साथ बैठकर गंभीर बात कर रहे थे, गांधी जी ने उन्हें कुछ ना कुछ निर्देश भी दे रहे थे। इन सब से धनी को लगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। प्रश्न नंबर छह, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? उत्तर, वह जानना चाहता था कि यह यात्रा महत्वपूर्ण है, वह देखना चाहता था कि इस यात्रा में क्या-क्या होने वाला है, इसलिए धनी उत्सुक था। प्रश्न नंबर सात, गांधी जी ने धनी को ना जाने के लिए कैसे मनाया? उत्तर, गांधी जी ने धनी को बिन्नी की देखभाल के लिए राजी करके मनाया। बच्चों, ये सात प्रश्नोत्तर हैं, इन्हें आप अपनी कॉपी में साफ साफ ध्यान पूर्वक लिखेंगे, फिर मात्राओं का विशेष ध्यान रखेंगे और प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह और उत्तर के बाद पूर्ण विराम को लगाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके बच्चों।